यार विद्यार्थियों की हाल चाल है। मैं थोड़ा दोस्त अध्यापक नवनीत कक्कड़ थोड़ा सब का स्वागत करता हाँ यूट्यूब चैनल लर्नर्स बोहाते। अज असी सिक्स्थ क्लास का जो चैप्टर कर रहे थे बेटा इंटीजर संपूर्ण संख्यावां उसका अभ्यास करांगे। 6.1 6.1 एक्सरसाइज करांगे। जिन्होंने ये चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल सबसक्राइब कर लो ता जो तुहानू हर वीडियो मिलती रहे। चलते हाँ बेटा आज दे लेक्चर वाले। सवाल नंबर एक देखांगे की है इंग्लिश भी लिखांगे पंजाबी भी लिखांगे। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग जरा हेठा दिते ने उन्होंने की लिखो अपोजिट लिखो पंजाबी लिख देना हेठ लिखिया के उल्ट लिखो हेठ लिखिया दे उल्ट लिखो। पहला क्वेश्चन है इना पहला क्वेश्चन है इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट वेट के ना भार होंगे वेट कहता है भार इंक्रीज कहता है वाधा होंगे नाल जो पंजाबी भी होगी तो वाधा भार कारे विच वाधा भार विच वाधा भार विच वाधा ठीक है। हुण इहदा उत्तर की आऊगा जे वेट वधूगा तां उहदा उल्ट की होगा भार घटूगा भार वधूगा भार घटूगा तां लॉस इन वेट इंग्लिश च आ गया लॉस इन वेट भार विच कमी भार विच घाटा जां कमी भार विच कमी। इह पहला पार्ट सी दूजा पार्ट बी पार्ट की कहिंदा है 30 किलोमीटर इन नॉर्थ 30 किलोमीटर इन नॉर्थ। हम नॉर्थ के उधर बेटा चार दिशावां होंदिया ने दिशावां याद कर लो बहुत लोड कम पोगी तुहानू पहला ही दसियां सीगियां। और उपर वाल उत्तर दिशा होंदी है जिसनों असीं नॉर्थ कह दिंदे हां। उत्तर दे बिल्कुल उल्ट की होंदी है दक्षिण होंदी है जिसनों असीं साउथ कह दिंदे हां। इनू एन नाल लिख दिंदे आ नॉर्थ साउथ नूं एस नाल लिख दिंदे आ उत्तर दक्षण इधर पूर्व हुंदा है जिसनों असीं ईस्ट कह दिंदे आ ते ई नाल लिख दिंदे आ। पूर्व दे बिल्कुल उल्ट पछम हुंदा है जिसनों असीं वैस्ट कह दिंदे आ ते डबल्यू नाल लिख दिंदे आ। हुण 30 किलोमीटर नॉर्थ दे वल नॉर्थ इधर नूं गए 30 किलोमीटर उत्ते नूं गए समझ लो गए उत्तर का बिल्कुल उल्ट की होगा दक्षिण होगा साउथ होगा तो यह उल्ट आंसर क्या आ गया 30 किलोमीटर इन साउथ उत्तर का उल्ट दक्षिण 30 किलोमीटर पंजाबी पता पंजाबी रकम है 30 किलोमीटर उत्तर वाल पंजाबी उत्तर इहदा आंसर की आजूगा 30 किलोमीटर दक्षण वल ठीक है। ये पहले दो पार्ट सी हुण देखदे तीजा पार्ट तीजा पार्ट की है सी पार्ट है यार 300 26 बीसी पंजाबी लिखांगे 326 ईस्वी पूर्व। देखो बेटा हुण आपां 2020 तुरे फिरदे आ कदे ना कदे 0 साल भी होऊगा ना वाधे वाधे किथे पहुंच गए आपां 2020 ते पहुंच गए। 0 तों पहला भी साल होणगे 0 तों गिनती इधर चल पैंदी है 1 2 3 इहनूं जिहड़ा 0 तों इधर है इहनूं तां असीं सीई कहिंदे आ कॉमन एरर कह लैंदे आ सीई जिहड़े 0 तों पहला पै गए उहनूं कहिंदे आ बीसी। ए ईस्वी है
ईस्वी पूर्व है, ये ईस्वी की है पूर्व है। जे इधर 10 ईस्वी है, इधर 1 2 3 इतने जाके की हो 10 ईस्वी पूर्व हो जूगा, जे घटा रकम ने घटा चलदिया रहे 326 BC, इधर 326 है, 326 इधर BC वाले पास है, इतने कितने 326 पे, इधर उल्ट किधर होगा, इधर होगा, तो उल्ट की बात 326 CE, 326 CE, इधर आंसर आ जाऊगा 326 CE, पंजाबी दे विच 326 ईस्वी पूर्व नहीं पाना, बस पूर्व पहला आंदा जीरो तो बाद वाले ईस्वी। सी का उत्तर ए आ गया, डी का उत्तर लॉस ऑफ रुपीज 700, लॉस होता घाटा, घाटा यानी हानि, पंजाबी के लिए की लिखता 700 रुपए की हानि। हम यहाँ उल्ट की आऊगा, जो हानि है वो हानि का उल्ट की होंगे लाभ होंगे, हानि हमेशा ऋणात्मक होंगी है, लाभ हमेशा धनात्मक होंगे, हानि माइनस च लाभ प्लस च, तो 700 रुपए की हानि लॉस ऑफ रुपीज 700, यदा आंसर आऊगा प्रॉफिट ऑफ रुपीज 700, जब कहेंगे पंजाबी लिखेंगे 700 रुपए का लाभ। आग हिंदी लगा रहा है बाकी आग बहाना, ये बेटा रुपए नहीं होंगे ना, रुपए वो नोटा नहीं, तुम देखोगे हम रुपए का निशान अपना आ है, रुपए का निशान की अपना आ है, ए सी डी। हम आप सवाल नंबर देखते हैं दो, सवाल नंबर दो की कहता है, हेठा लिखिया संख्यावान उचित निशान लगा के संपूर्ण संख्यावान के रूप में लिखो। हम कह रहा भी है राइट द फॉलोइंग नंबर्स, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स, एज इंटीजर्स बाय एप्रोप्रिएट साइन। थोड़े साइन है, साइन की होता है चिन्ह, धनात्मक है के ऋणात्मक है, नेगेटिव है के पॉजिटिव है, या फिर लिखना हेठ लिखिया संख्यावान, हेठ लिखिया संख्यावान उचित निशान लगा के, उचित निशान लगा के संपूर्ण संख्यावां दे रूप विच लिखो, संपूर्ण संख्यावां दे रूप विच लिखो। संपूर्ण संख्यावां केड़ी होंदियां ने दस्सिया सी तुहानू मैं, प्लस वालियां भी माइनस वालियां भी, वो सारियां संपूर्ण संख्यावां ने, नंबर लाइन ते संख्या रेखा ते बना के दिखाईआं सी तुहानू। हम पहला क्वेश्चन की है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग 2000 मीटर अबव द ग्राउंड, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग 2000 मीटर अबव ग्राउंड। पंजाबी की लहना है, एक हवाई जहाज जमीन तो 2000 मीटर ऊंचाई ते उड़ रहा है, ऊंचाई ते उड़ रहा है, फ्लाइंग मतलब उड़ रहे हैं, कौन एरोप्लेन जहाज 2000 मीटर आगे इक्वल है, अबाव होता है उत्ते, अबाव की होता है उत्ते, ग्राउंड है धरती, धरती तो या जमीन तो आ धरती है, इतने कितने उड़ रहे हैं
ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਨਾਤਮਕ ਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ 2000 ਮੀਟਰ ਅਬਵ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਪਲੱਸ 2000 ਮੀਟਰ। ਸਾਈਨ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਨ ਪਾਓ ਸਾਈਨ ਪਾਓ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਐਂਡ ਅ ਸਬਮਰਾਈਨ ਇਜ ਰਨਿੰਗ ਐਟ ਅ ਡੈਪਥ ਆਫ 800 ਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਸੀ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਸੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ, ਆਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ। ਡੈਪਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੂੰਘਾਈ, ਡੈਪਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੂੰਘਾਈ। ਪਣਡੁੱਬੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਣਡੁੱਬੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਡੂੰਘੀ ਵੜ ਕੇ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਹੈ ਸਬਮਰਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 800 ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪਣਡੁੱਬੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 800 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜੂ ਹੁਣ? ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਚੱਲਦੀ ਕਿ ਨਾ 800 ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਟਾ ਆ ਗਿਆ, ਘਟਾ 800 ਮੀਟਰ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਔਨ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਹੇਠਾਂ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪੂਰਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੱਸ ਦਾ 5। ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਐਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਐਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਕੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ 1-1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ 2-2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾ ਲੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਦਾ 5, ਆਹ 0 ਹੈ, ਆਹ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਹੈ, ਆਹ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ 4 ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ 5 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਓ ਏ, ਤਾਂ ਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ 5। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਤੀਰ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ 5 ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ। ਬੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨਸ 10। ਬੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਘਟਾ 1 ਘਟਾ 2 ਘਟਾ 3 ਘਟਾ 4, ਇੱਧਰ ਜਾਈ ਆਵਾਂਗੇ, ਘਟਾ 5 ਘਟਾ 6 ਘਟਾ 7 ਘਟਾ 8 ਘਟਾ 9 ਘਟਾ 10, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਟਾਉਣਾ 10 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਬੀ, ਤਾਂ ਬੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ? ਘਟਾ ਦੇ 10 ਦੇ, ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ, ਗਿਣ ਲਓ ਘਟਾ 10 ਤੱਕ ਗਿਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਸੀ ਪਲੱਸ 8, ਆ ਪਲੱਸ 5 ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਏ ਤੱਕ, ਪਲੱਸ 6 ਪਲੱਸ 7 ਪਲੱਸ 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਧਰ, ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸੀ।
सी पॉइंट की बन गया प्लस का एट बन गया यमा का अठ बन गया डी घटा दा एक आप है डी ता डी जरा पॉइंट बन गया ये बन गया घटा दा एक ई पॉइंट है घटा दा छे ई पॉइंट के घटा दा छे है घटा चार घटा पांच इतने घटा चार तक तो इतने आ गया घटा पांच घटा छे जरा ई पॉइंट है एक ही बन गया घटा छे। हरेक वाली संख्या रेखा नवी बना लिया करो आपकी लोड मुताबिक हरेक वाली संख्या रेखा से तुम आह जी संख्यावान ने दर्शाई ने उत्तर मुताबिक। हम चौथे सवाल के विच ना एक संख्या रेखा बनी है सवाल नंबर चार दे विच एक संख्या रेखा बनी है जो सीधी खड़ी है चित्र विच एक तुहानू सीधी खड़ी संख्या रेखा दिखाई गई है इत्थे पॉइंट डी है वो है अठ वो कहना अठ है दो पॉइंट छड़ के इत्थे पॉइंट ए सॉरी सी है सी दे बिल्कुल थले की पे है बी पे है बी तो बाद एक छड़ के ए पे है ए तो बाद एक छड़ के ओ पे है ओ तो बाद एक छड़ के एच पे है एच तो बाद दो छड़ के जी पे है जी तो बाद एक छड़ के एफ पे है एफ तो बाद एक छड़ के ई पे है ठीक है। हुण डी के ना प्लस का अठ है क्वेश्चन जो पूछे ने इफ डी इज इंटीजर प्लस एट देन विच पॉइंट विल बी इन्हें मतलब क्या ना इफ इफ उन्हें जे डी की हो गए संपूर्ण संख्या अठ हो गई जे कर डी संपूर्ण संख्या प्लस का अठ हो गई ठीक है घटा अठ का केड़ा बिंदु होगा छे प्लस का पांच प्लस का चार प्लस का तीन प्लस का एक सत छे पांच चार तीन दो एक सिफर आ बन गई है ओ कह चाहे सिफर कह लो इतने उत्ते प्लस रहिंदे थले माइनस रहिंदे घटा एक घटा दो घटा तीन घटा चार घटा पांच घटा छे घटा सत घटा अठ लाइन वाले में तीन पॉइंट तुम्हें लगता है एच एच ओ जीरो ते एच विचकार है एक सी एच ते जी विचकार तीन सी गया एच ते जी विचकार तीन सी इतने जी है घटा एक घटा दो घटा तीन घटा चार घटा पांच घटा छे जी तो बाद एक छड़ के एफ है इतने एफ आ घटा सत्त घटा अठ तो घटा अठ नूं कहड़ा दर्शा रहे हैं घटा अठ नूं दर्शा रहे हैं एफ आंसर क्या आजूगा एफ बिंदु एफ पॉइंट रिप्रेजेंट प्लस एट एफ बिंदु प्लस दे अठ नूं दर्शाउंदा है समझ आ गई। दूसरा क्वेश्चन की है कि जी एक ऋणात्मक संख्या है या धनात्मक संपूर्ण संख्या है तब बी पार्ट की है इज जी ए
पॉजिटिव, एंटीजर और नेगेटिव एंटीजर की जी एक धनात्मक संपूर्ण संख्या है। एंटीजर का संपूर्ण संख्या पॉजिटिव होता है धनात्मक, जा एक ऋणात्मक ऋणात्मक संपूर्ण संख्या है। हम जी कितने भैया? हाँ सी, जी कितना है? घटा रहा 6 है, घटा जानी इस नेगेटिव, तो आंसर आ जाए नेगेटिव इंटीजर। की आ जाएगा? नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक तो संपूर्ण संख्या। ठीक है, उस तो बाद सी पॉइंट, सी क्वेश्चन की है, चौथे ना सी की है। छे दशमलव एक दे, बाकी सवाल लेके जल्दी तुहाडे दरम्यान हाजिर होवांगा। धन्यवाद।